जिले सिद्धपेट में बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी जिले अखिलती मोर्चा के सदर मोहम्मद नईमुद्दीन, बीजेपी जिले अखिलती जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खलील, बीजेपी जिले महिला मोर्चा के सदर फरजाना बेगम और सिद्धपेट टाउन अखिलती सदर यासिन हुसैन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने रियासती वजीर खजाना हरीश राव की क्यादत में बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। हैदराबाद में बीजेपी जिले अखिलती मोर्चा के सदर मोहम्मद नईमुद्दीन, बीजेपी जिले अखिलती जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खलील, बीजेपी जिले महिला मोर्चा की सदर फरजाना बेगम, सिद्धपेट टाउन अखिलती सदर यासिन हुसैन अपने पैरोकारों के साथ रियासती वजीर हरीश राव की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में शामिल हुए, जिस पर हरीश राव ने उनको पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। मैं जावेद अदेगंगा अहमद गारु ई रोज जाने की बीजेपी सिद्धपेट जिला अध्यक्ष नईमुद्दीन गारु, प्रधान कार्यदर्शी खलील गारु, अदेगंगा మన చేరియాల అధ్యక్షులు కరీముద్దీన్ గారు, అర్షద్ హుసేన్ గారు, దుబాక నుంచి వచ్చినటువంటి మొహమ్మద్ ముస్తాఫా గారు, ఇంకా ఇమ్రాన్ ఉద్దీన్, షాకీ హుసేన్, అహ్మద్ గోరేమియా, షాదుల్లా, సాజీ, మొహమ్మద్ ముస్తాఫా, అజీజ్, తమాం సేన్, మా తమ్ముడు సేన్, అందరికీ పేరు పేరు నమస్కారం. భయ ఆప్ సబ్కా మే పూరా దిల్ సే स्वागत करता हूँ बीआरएस में. केसीआर साहब ने तेलंगाना में इतना अच्छा गंगा जमुना तहसील को कितना अच्छा बचा के रखे आप सब जानते हैं. पिछले 9.5 साल में ना एक दिन भी कर्फ्यू नहीं है, ना एक दिन भी हैदराबाद में या तेलंगाना में कोई कोने में भी कुछ गड़बड़ नहीं है. आज देश में क्या हाल है आप जानते हैं. कर्नाटका में देखो, यूपी में देखो, नोएडा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, रात में सोए तो नींद नहीं आ रहा. तेलंगाना में तो अच्छा दो बार खाना भी खा रहे, अच्छा सो भी जा रहे, या कुछ गड़बड़ नहीं है. हर कोई भी अच्छा जी रहे, या हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन, सबका भी इज्जत रखे सीएम साहब. दशहरा हो गए तो गरीब हिंदुओं के लिए सोचे, रमजान हुए तो गरीब मुसलमानों के लिए कपड़े भेजें, क्रिसमस हो तो गरीब क्रिसमस क्रिश्चियन के लिए भी कपड़ा भेजा है सीएम साहब. रमजान में भी सरकार की तरफ से पूरा इंतजाम होता है. रीति रिवाज इज्जत को भी सीएम साहब ने वो सवाल के आगे लेके जा रहे हैं, वो भी आप जानते हैं. सो आज सीएम साहब ने हज हाउस को डेवलप करें, सिद्धपेट में भी हमने एक अच्छा हज हाउस बनाया, कहीं पर ऐसा कहीं नहीं होता. आज दरगे में भी, अजमेर में भी सीएम साहब बहुत अच्छा रूबा बना रहे, कर वहां पर एक सड़क बना रहे. अजमेर दरगाह पे भी जो लोग यहाँ से जाते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा रहने का इंतजाम, सहूलत भी बहुत बढ़िया तरीके से तेलंगाना का बिल्डिंग भवन बना रहे वहां पर. ऐसा हर कोई के लिए सोचते सीएम साहब. आप भी समझना है कि जब तक केसीआर साहब है तब तक ये राज अच्छी तरीके से चल रहा है. आप भी कभी सोचे कि सिद्धपेट को कालेश्वर का पानी आता, सिद्धपेट जिला बनता, सिद्धपेट में मेडिकल कॉलेज आता, सिद्धपेट को रेलगाड़ी आता. ये तो कभी भी अपन स्लोगन सुनते थे, कभी भी इलेक्शन के टाइम में नारा सुनते थे, लेकिन आज आपके आंखों के सामने दिख रहा है. नंदी अल्ले साहब से चेरियार में पानी पानी फुल हो गया. जिधर भी देखो दो फसल पक्का खेती का काम हो रहा है, लोगों को काम मिल रहा है. आज ऐसा हाल हो गया, लोग बिहार से, छत्तीसगढ़ से, वहां से लोग आके अपने पास काम कर रहे हैं. एक जमाने में तो हम बाहर जाते थे मुंबई दुबई, अब लोग वहां से अपने पास आ रहे हैं. सीन रिवर्स हुआ नहीं हुआ, अंकों के सामने 9-10 साल में बदल दिए सीएम साहब. क्या था क्या हुआ आप जानते हैं. तो सिद्धपेट का भी एक फकर है आज, आप जहां भी जाओ सिद्धपेट बोले तो आपका थोड़ा इज्जत बढ़ा या कुछ कम हुआ. अरे तुम्हारा तो क्या है भाई, हरीश राव है, तुम बहुत अच्छा है बोले, बेकार है तो बोले कोई नहीं बोला, कोई बोला तुम बेकार है बोले. मैं आप लोगों का इज्जत बढ़ाया, वे इज्जत को आगे लेके जाए. अब क्या है भाई, जो भी जो सेवा करे, जो काम करे, लोग चाहते हैं. किसी के शादी में गए, किसी को तकलीफ है तो गए, कोई दवाखाने में गए तो हो सके जितना मदद मेरे से हो सके करें, कोई पढ़ाई के लिए मदद करनी, कोई कुछ भी है, आधी रात को भी फोन है तो उठा.
उठाए, घर पे गए, दवाखाना गए, कुछ जो अब मेरे से हो सकते मैं करते जा रहा, काम करते, सेवा करते जा रहा। तो ये इज्जत को और बढ़ाएंगे सिद्धिपेट का। सिद्धिपेट बोले तो क्या बोलते, अरे तुम तो 1,00,000 से जीतना, ये किसकी फकर है, हर कोई सिद्धिपेट का फकर की बात है। ये आगे भी जीतना तो पक्का है, 10,000 ज्यादा 10,000 कम, लेकिन बड़ी मेजॉरिटी से जीते तो सिद्धिपेट का नाम पूरे देश में आता है, पूरा देश भर लोग बोल लेते ना, अरे भाई क्या तारीफ है, ये लोगों का क्या चल रहा है, उसका मेरा ही बढ़ता, मेरा बढ़े तो आपका बढ़ता, आपका बढ़े तो मेरा बढ़ता, मेरा बढ़े तो आप लोगों का इज्जत बढ़ता। मैं और आप अलग नहीं है ना, हम सब एक ही। सो मेरा इज्जत बढ़े तो सिद्धिपेट का इज्जत बढ़ता, सिद्धिपेट का इज्जत बढ़े तो मेरा इज्जत बढ़ता, मिलकर चलना है ये। इसको और अच्छी तरीके, आप कोई भी कॉन्टेस्ट करे तो कोई फंड आता वो भी कॉन्टेस्ट करता, उसको भी मालूम है उसको डिपॉजिट नहीं मिलता, या कांग्रेस या बीजेपी, इसके पहले 5 बार किसी को